फ्रेंड आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे बेल रिक्रूटमेंट फॉर जो हमारी पोस्ट है इंजीनियर और ऑफिसर पोस्ट की वैकेंसी निकली है, ठीक है। तो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। किस तरीके से आवेदन करेंगे सारी डिटेल मैं बताऊंगा इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। फ्रेंड बात करते हैं जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन नेम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है। पोस्ट आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर, ट्रेनी इंजीनियर, ट्रेनी ऑफिसर, प्रोजेक्ट ऑफिसर की वैकेंसी टोटल 64 वैकेंसी है। ऑफलाइन मोड है, 22 सितंबर तक आपको उसका भरना है आवेदन, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे बिल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2020 का PDF है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे आप वैकेंसी देख सकते हैं जो डिवाइड हो रही है हमारी, ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रेनी इंजीनियर मैकेनिकल, ट्रेनी इंजीनियर आपका कंप्यूटर साइंस, ट्रेनी इंजीनियर फाइनेंस, ट्रेनी प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल, प्रोजेक्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस और प्रोजेक्ट ऑफिसर आपका रहेगा ह्यूमन रिसोर्स का, ठीक है। इस तरीके से हमारी वैकेंसी डिवाइड हो रही है, टोटल 64 है। यहाँ पे हम इसकी इंजीनियर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ऑफिशियल रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। ट्रेनिंग इंजीनियर की आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स PE BTech होना चाहिए, BSc इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स और या इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, कम्युनिकेशन या ENT या आपका टेली कम्युनिकेशन होना चाहिए। ट्रेनिंग इंजीनियर का आपका मैकेनिकल PE BTech BSc इंजीनियर इन मैकेनिकल, ट्रेनिंग इंजीनियर कंप्यूटर साइंस BE BTech BSc इंजीनियर इन कंप्यूटर साइंस, ट्रेनिंग ऑफिसर का फाइनेंस MBA इन फाइनेंस में होना चाहिए, प्रोजेक्ट इंजीनियर का इलेक्ट्रॉनिक्स BE BTech BSc इंजीनियर इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या ENT या टेली कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रोजेक्ट इंजीनियर का आप मैकेनिकल BE BTech आपका BSc होना चाहिए इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, प्रोजेक्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस BE BTech BSc इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, प्रोजेक्ट ऑफिसर का ह्यूमन रिसोर्स MBA MSW MHRM इन HR होना चाहिए, ठीक है। पोस्ट क्वालिफिकेशन का आप देख सकते हैं जो वैकेंसी है, यहाँ पे एक ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, यहाँ पे क्वालिफिकेशन रिलेवेंट इन आपका इंडस्ट्री, आपका एक्सपीरियंस इन मैंडेटरी अप्लाइड फॉर पोस्ट ट्रेनिंग इंजीनियर ऑफिसर, ठीक है। मिनिमम आपका यहाँ पे पोस्ट आपका मिनिमम ऑफ 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी टू अप्लाई प्रोजेक्ट ऑफिस इंजीनियर या ऑफिसर के लिए, ठीक है। तो ट्रेनिंग के लिए आपके आप 1 साल का प्रोजेक्ट आपका इंजीनियर और ऑफिसर के लिए, 2 साल का आपका अनुभव की रिक्वायरमेंट है। एज लिमिट दे सकते हैं ट्रेनिंग इंजीनियर की, ट्रेनिंग ऑफिसर की आप दे सकते हैं, अपर एज लिमिट 25 रखी गई है। प्रोजेक्ट इंजीनियर की आपकी एज लिमिट रखी गई 29 रखी गई है। यहाँ पे आप दे सकते हैं ट्रेनिंग इंजीनियर की और ट्रेनिंग ऑफिसर की 200 फीस रखी, प्रोजेक्ट ऑफिसर की 500 रुपये फीस रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कैंडिडेट बिलोंग टू PWD SC एग्जाम फॉर फीस, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड से SBI क्लर्क से आपको फीस को अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपको आवेदन है इसको इस एड्रेस पे सेंड करना है, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो मैं उसके नोटिफिकेशन पे चलता हूँ, वहाँ पे हम और जानकारी है वो हम देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे कुछ और डिटेल आ रही है वो हम अपने नोटिफिकेशन पे देख लेंगे। फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी डिटेल आ रही है नोटिफिकेशन की, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बताया था वो सब इन्फॉर्मेशन आ रही है। एज आपकी यहाँ पे दे रखी है या अनुभव यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है, एज भी दे रखी है और कैटेगरीज वाइज भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे आपकी जो सैलरी रहेगी यहाँ पे ट्रेनिंग इंजीनियर की आप दे सकते हैं 25,000 रहेगी, 28,000 रहेगी सेकेंड थर्ड ईयर तक, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट भी रेस्पेक्टेड आपका रहेगा 3 साल तक का, 31,000 रहेगी। प्रोजेक्ट इंजीनियर की दे सकते हैं यहाँ पे 35,000, 40,000 और 45,000 आएगी, 50,000 रहेगी, 4 साल तक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको ये पूरी डिटेल आ रही है। यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे और डिटेल में आ रहा है, कैंडिडेट शुड हैव ऑब्टेन फर्स्ट क्लास, ठीक है, क्वालिफिकेशन फॉर जनरल एंड OBC इकोनॉमिक सेक्टर, ठीक है, पास और SC ST वाले PW वाले सिर्फ पास होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट हैविंग पार्ट टाइम कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्स वो यहाँ पे नॉट एलिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी डिटेल है यहाँ पे आपको दी जा रही है, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। यहाँ पे मैकेनिकल जिस कोर्स से हैं उसके बारे में आपको दिया जा रहा है, तो एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, तो 22/9/2020 इसकी लास्ट डेट है। आपको मैं फीस के बारे में जानकारी दे रहा हूँ तो ये आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है जो आप दे सकते हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क यहाँ पे दे सकते हैं, आपके 75% है, 75 मार्क रहेंगे। रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपेंस पे आपको 2.5 मार्क भी अलोकेट मिनिमम एक्सपेंस, ठीक है, आपको दे सकते हैं। और फॉर पोस्ट 1.25 विल बी अलोकेट एवरी कंप्लीट एक्सपीरियंस ऑफ 6 मंथ, ठीक है।
तो आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स दिए जा सकते हैं। आपको इंटरव्यू फॉर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट वीडियो भेज दिएगा, 15 मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरीके से आपके 100 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे आपको किस तरीके से सिलेक्शन होगा। एक पोस्ट पे आपको 5 जन बंदे सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है जो कि मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। जनरल कंडीशन दे रखी है, वो सब आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, ठीक। अब हम इसके ऑफलाइन चलते हैं, किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। इसका ऑफलाइन फॉर्म है, यहाँ पोस्ट कोड, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अपना फोटो लगाना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, माता पिताजी का नाम, एज आपको देनी है 1/9/2020 के अनुसार। जेंडर बताना है, कैटेगरी जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इंडिकेट टिक आपको करना है, आप डिसेबल्ड हैं तो उसके बारे में करना है, ठीक है। इफ़ यू डिग्री डिसेबिलिटी आपको परसेंट बताना, नेशनलिटी बताना है, रिलीजन बताना है, आधार नंबर बताना है, कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस, ठीक है। इस तरीके से आपको देना है पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन, आपको 10वीं की, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की आपको देना है। क्वालिफिकेशन के बाद आपको यहाँ पे आपको मार्क आ रहे हैं वो जानकारी देनी है, बी बी टेक के, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन एम बी ए के। इस तरीके से एक्सपीरियंस की जानकारी आ रही है, फिर एक्सपीरियंस की आपको यहाँ पे जानकारी देनी पड़ेगी। यहाँ पे आप दे सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन नेम, कब एम्प्लॉय की डिटेल, कब से लेकर कब तक काम किया, एक्सपीरियंस, ईयर मंथ में बताना होगा, जिस पद पर थे वो बताना, कॉस्ट ऑफ द कंपनी आपको बतानी होगी, ठीक है। आपके ब्रीफ में आपकी ड्यूटी थी उसके बारे में शॉर्ट में आपको जानकारी देनी होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको टोटल ईयर एक्सपीरियंस आपको मंथ में जानकारी देनी होगी। इस तरीके से नेम और प्लीज पर्टिकुलर रिलेवेंट एम्प्लॉई बीएल के इफ यदि हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। फी पेमेंट के बारे में बता सकते हैं, ठीक। यहाँ पे आपको जो जो सर्टिफिकेट है उसके आपको यस या नो एप्लीकेबल कर देना है, ठीक है। इस तरीके से करने आपको यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट के करने होंगे, ठीक। इस तरीके से ये आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देंगे, धन्यवाद।